नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। मिथिलांचल का दिल कहा जाने वाला दरभंगा अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राज के लिए जाना जाता है। देश के राजवाड़ों में दरभंगा राज का हमेशा से एक अलग स्थान रहा है। ये रियासत बिहार के मिथिला और बंगाल के कुछ इलाकों में कई किलोमीटर के दायरे तक फैला था। दरभंगा राज के आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह तो अपनी शान और शौकत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। इससे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की शुक्रवार को पुण्यतिथि थी। 1 अक्टूबर 1962 को महाराज कामेश्वर सिंह बहादुर का शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ था। जब जब भारत के दानवीरों की बात की जाएगी तो उनमें दरभंगा राज का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। आज हमें दरभंगा राज परिवार की शिक्षा, संस्कृति, संगीत को सहेजने और उदार अकल्पनीय अनुपम दानशीलता के बारे में अवश्य जानना चाहिए। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर शिक्षा के प्रबल समर्थक और कला अनुरागी थे। वे पंडित मदन मोहन मालवीय के अनन्य समर्थक थे। दरभंगा महाराज ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उस समय 50 लाख रुपए का दान दिया था। कल्पना कीजिए, 125 साल पहले के 50 लाख रुपए। महाराजा रामेश्वर सिंह ने पटना में अपना दरभंगा महल पटना विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबके निर्माण में दरभंगा राज का मुख्य आर्थिक योगदान रहा है। महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा का अपना महल आनंद बाग महल और पुस्तकालय संस्कृत विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। आज का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा राज के भवन में ही स्थापित है। कहते हैं कि कुंदन लाल सहगल महाराजा विश्वेश्वर सिंह के गहरे मित्र थे। राजा का अपना सिंफोनी ऑर्केस्ट्रा था, बैंड था। उत्तर बिहार में पहली रेल पटरी 1874 में दरभंगा महाराज के पहल और दान से बनी। आज हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी रियासत की कहानी जो ना सिर्फ बिहार में बल्कि कई मायनों में देश के बड़े रियासतों में शामिल थी। इस रियासत के किस्से आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। इस रियासत की मलकियत ऐसी कि जो ना सिर्फ देश के बड़े शहरों में बल्कि विदेशों में भी इसकी संपत्ति देखी जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा महाराज के रियासत की। इस रियासत के हर उन पहलुओं से आज हम आपको रूबरू कराएंगे जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। भारत के रजवाड़ों में दरभंगा राज का अपना खास स्थान रहा है। दरभंगा राज बिहार के मिथिला क्षेत्र में करीब 6200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। दरभंगा राज की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं सदी की शुरुआत में की थी। ब्रिटिश राज के दौरान तत्कालीन बंगाल के 18 सर्किल के 4495 गांव दरभंगा नरेश के शासन में थे। राज के शासन प्रशासन को देखने के लिए लगभग 7500 अधिकारी बहाल थे। पटना से करीब 140 किलोमीटर दूर दरभंगा राज, जो बिहार के सबसे बड़े राजघराने में एक था, 124 परगने की जमींदारी थी और ये परगना आपको भागलपुर का कुछ हिस्सा, मुंगेर का लगभग हिस्सा, मुजफ्फरपुर का लगभग हिस्सा, मोतिहारी कहते हैं सीतामढ़ी का कुछ पोर्शन, पूरा दरभंगा, ओल्ड दरभंगा कविश्वरी जो था, इस पूरे एरिया में पूरा का पूरा लगभग पूर्णिया, मैंने अभी का जो पूर्णिया है, लगभग इतनी बड़े क्षेत्र में यह फैला हुआ था। 24,000 स्क्वायर माइल का इसका पूरा अपना एरिया था और 2000 से ऊपर इसके स्टाफ थे, जो उस समय में बिहार सरकार के पास इतना कर्मचारी नहीं था जितना कर्मचारी राज दरभंगा के अधीन काम कर रहे थे। दरभंगा राज के शासन पद्धति, उनके काम और तमाम शासकों की कहानियों को जानने सबसे पहले हम पहुंचे कल्याणी फाउंडेशन। कल्याणी फाउंडेशन महाराज कामेश्वर सिंह की पत्नी के नाम पर बनाया गया है। सुनिए इतिहासकार की जुबानी दरभंगा राज की कहानी। हम लोगों के यहाँ एक चलन है कि लड़की जब शादी होके
ससुराल आती है तो उसको मुंह दिखाई मिलता है, समझे। तो मुंह दिखाई थी, तो मुंह दिखाई में हुआ जो क्या मिला, तो 5000 रुपया उस ज़माने में, 5000 रुपया काफ़ी हैंडसम अमाउंट हुआ, हैंडसम अमाउंट दिया गया महारानी के मुंह दिखाई में, इनकी सास ने दी होगी या जो भी दिए हों। तो हुआ कि नहीं, अगर यह लड़की अभी तो छोटी है, शादी होने उस समय में क्या 13-14 साल के उम्र में शादी होती थी, तो इतना पैसा लेके ये लड़की क्या करेगी। और राजा रजवाड़ा में है तो खाने पीने के लिए तो चाहिए नहीं, तो उस पैसे का सही उपयोग हो उसके लिए कोई बगल में कोई ज़मींदारी बिक रही थी, वो ज़मींदारी खरीदी गई महारानी के नाम से, कि अब उस ज़मींदारी का जो रिटर्न आएगा, रखरखाव राज दरभंगा करेगा, किंतु उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो रेवेन्यू रानी के खाते में जाएगा। दरभंगा राज की शानो शौकत का कभी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुआ करता था। उनकी विद्वता पर बड़े बड़े विद्वान दंग रहते थे। दरभंगा महाराज की कहानी जारी है। संवाददाता रवेश नारायण की रिपोर्ट। दरभंगा राज का वैभव पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दरभंगा महाराज के घर के अंदर तक रेल चलती थी, प्राइवेट प्लेन था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त दरभंगा महाराज ने एयरफोर्स को 3 फाइटर प्लेन गिफ्ट किए थे। ये है दरभंगा राज का स्वर्णिम इतिहास। इस रिपोर्ट को देखिए। दरभंगा राज का ऐतिहासिक भवन, जो आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर है, कभी से देश का दूसरा लाल किला कहा जाता था। यह दरभंगा महाराज का शासकीय भवन था, जहां अपने तमाम पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ महाराज बैठा करते थे और दरबार सजता था। इसी भवन के बगल में तालाब के किनारे ठीक दूसरा भवन है, जहां पर दरभंगा महाराज अपने विशेष पदाधिकारियों और दरबारियों के साथ चर्चा करते और बड़े फैसले लेते थे। यहीं पर ललित नारायण मिश्रा संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है। यहां दूसरे देश से भी छात्र रिसर्च करने पहुंचते हैं। We came from Myanmar. To study this university. We came from Myanmar to study here and research and philosophy. दरभंगा राज के सबसे विख्यात महाराजा कामेश्वर सिंह की ख्याति आज भी चर्चा का विषय है। नरगोना पैलेस अपने आप में अनूठा है। सफेद संगमरमर से बना ये भवन लंदन के बकिंघम पैलेस की याद दिलाता है। बताया जाता है कि पूरे भवन के नीचे स्प्रिंग लगा है, जिससे भूकंप का खतरा ना रहे। आज इस भवन में पढ़ाई होती है। बताते हैं, स्प्रिंग डाल करके इसको बनाया गया है और बकिंघम पैलेस का हूबहू जो है सो इसकी अनुकृति के रूप में इसको तैयार करने की कोशिश की गई। नारायणी फाउंडेशन के ठीक सामने बना है बेला पैलेस, बेहद खूबसूरत। बेला पैलेस में आज डाक विभाग का ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की शानो शौकत ऐसी थी कि ना सिर्फ देश भर के तमाम रजवाड़े उनके यहां कार्यक्रम में पहुंचते थे, बल्कि ब्रिटिश वायसराय से लेकर लंदन के लोग भी शामिल होना चाहते थे। बिहार की पहली ट्रेन जो समस्तीपुर से खुली थी, उसका अंतिम स्टेशन महाराजा कामेश्वर सिंह के निवास स्थान नरगोना पैलेस तक आती थी। नरगोना पैलेस के ठीक बगल में स्टेशन का प्लेटफॉर्म आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। ना सिर्फ ट्रेन बल्कि उस समय में भी महाराजा कामेश्वर सिंह के पास अपना हवाई जहाज हुआ करता था।
ये सच्चाई है, ये कहा नहीं जाता, ये तो हम आपको आधिकारिक रूप में कह सकते हैं कि वो जो आप देख रहे हैं इस नरगौना कैंपस में ही वो जगह है जहाँ तक रेल आती थी और उसमें जो सैलून बना हुआ था, बहुत पहले रिपोर्टिंग हुई थी कि उसमें जो कोचेज थे, कोच के भीतर में जो उनके पलंग वगैरह जो थे उसमें हीरा जवाहरात भी जड़े हुए थे जिसकी बहुत बड़ी चोरी हुई थी। मिजाज इनका जो था वो हमको लगता है कि शुरू से ऐसा ही था कि नहीं साहब ये दूसरे का नहीं करना है, हम अपने ट्रेन से चल रहे हैं, अपने प्लेन से चल रहे हैं। महाराजा कामेश्वर सिंह से जुड़ी हेमा झा पुराने दिनों को याद दिलाकर भावुक हो जाती है। पालन पोषण सबटा हमरा बेला पैलेस में थे। वो जो छलखी ना रानी साहब, छोटी रानी साहब, वो हमर बहिन छली है, सबसे जेठ हुनके लग सब किछ भेल। आ हुनकर जे बेटा जे महिला कुमार साहब छथिन से आ हम दुनू एके एज के छलिए, तैं दुनू संगे संगे खेलै छलहुँ धूपै। कोनो राजा आबौत, महाराज आबौत, कतौ कहि नेपाल के आबो तो कतौ बाहर के आबो, कलेक्टर DM कोई सब लग खेलेलहुँ धूपेलहुँ, सब बजबै छल, बात करै छल। एकटा हमरा कैंपस अइ ततेटा के छलै स्विमिंग पुल बुझू पोखरि, आ ओहिमे नहाइ छलहुँ हँ सौखसँ, सब दिन नहि, सब दिन किया नहायब ओहिमे, जे ओहिमे नहाय लए जाइ छलहुँ हँ। तखन हमर बहिन जे छली है, हुनका हमसब बहिन दाई कहै छलियनि, ओ बहिन दाई हमरा बड प्यार करै छलै, बड आवेश करै छलै। दरभंगा महाराज की ख्याति कला क्षेत्र में भी रही है, रंग महल इसकी तस्दीक करता है। दुनिया भर के महंगे टाइल्स और रंगों का इस्तेमाल इस रंग महल में हुआ है। उस जमाने में इस रंग महल में 3D टाइल्स लगाए गए थे। कैसी अनुकृतियां जो है उन्होंने बना करके रखी थी और कितना प्रेम जो है वो कला और संस्कृति से रहा है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो एक अनूठा नमूना है, उनकी शानो शौकत जो है उसकी बड़ी चर्चा होती है, लेकिन एक महाराज कला प्रेमी हो और ख़ास करके इतना खूबसूरत दिखाई पड़े तो वो और अद्भुत लगता है। जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस, ये कौन सा महल है, ये क्या है, आप बताएं? ये एक्चुअली दरबार हॉल है और इसमें महाराजा अधिराज के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शैक्षिक कार्यक्रम हो या उनका अपना दरबार हो, ये सारे यहाँ लगा करते थे। हम सभी जानते हैं कि मिथिला में वैदुष्य की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है और महाराजा धीराज का जो वंश है वह वंश विद्वानों का वंश रहा है। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और न केवल विद्वान हुए हैं, तांत्रिक परंपरा की दृष्टि से, शाक्त परंपरा की दृष्टि से महाराजा धीराज का वंश बहुत ही परिपूर्ण रहा है, बहुत संपन्न रहे हैं। तो इनका महल का बनना, इस महल की जो नक्काशी है उसको आप देखेंगे, इसको इसमें जो ऊपर ये झरोखे बने हैं, ये खिड़कियां लगी हैं, या आप पीछे की ओर देखें कि ये एक झरोखा बना हुआ है, इसमें जो कलाकृतियां लगी हुई हैं, इसको देखने से आपको लगेगा कि वे अत्यंत कला प्रेमी थे। आप देखें इसको कि यह ऊपर जो झरोखा बना हुआ है वहाँ बैठ करके इस दरबार हॉल में हो रहे सारे कार्यक्रम देखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें बैठे हुए लोग, उस झरोखे अंदर में जो बैठने हुए लोग हैं उनको नहीं देख सकते। महाराजा कामेश्वर सिंह ने कला, संस्कृति और कलाकारों को भी खूब प्रश्रय दिया। मधुबनी पेंटिंग कला इसका उदाहरण है। सबसे पहले तो मैं वहाँ आपको बता दूं कि उनका जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है वो जो जोड़ा मछली है, तो दरभंगा महाराज ने इस कला को प्रश्रय दिया। वो बाहर से भी कलाकार को मंगवाते थे, अपने यहाँ काम करवाते थे, लेकिन चूंकि ये महिलाओं की कला थी और आंगन की कला थी, इसको सार्वजनिक रूप से कहीं बाहर दिखाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी, तो बहुत पहले की बात है, तो दरभंगा महाराज भी इसलिए उसको कुछ नहीं कर पाए कि महिलाएं जो कर रही हैं ना वो आंगन में करें, और
किसी के करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारे आंगन में ये कला फल फूल रही थी। कहा जाता है कि दरभंगा महाराज शास्त्रों के साथ तंत्र विद्या के भी विद्वान थे, इसलिए दरभंगा में महाराज की चिता पर मंदिर बनाए गए हैं। महाराज की चिता पर ही मां काली मंदिर बनी है, जो मिथिला में सिद्ध मंदिर है। वो रामेश्वर सिंह चिते पर है, वो बहुत तांत्रिक थे और विद्वान लोग थे, पूजा करवाते थे और करते थे बहुत नियम निष्ठा से, वेद मंत्र और तंत्र मंत्र से, और इसलिए इतना जागरण तो है। मतलब तो क्या मंदिर किनके चिते पे बनी हुई है और क्या इस पूरे अगल बगल जितने भी हैं उसकी क्या कहानी है? सब श्मशान घाट थे यहाँ, जो उसके परिवार में मरते थे यही जा संस्कार होता है, सब पर मंदिर है बना हुआ। ये मेन मंदिर जो है ये काली जी के सिद्धपीठ, ये रामेश्वर सिंह की चिता पर। दरभंगा महाराज की पूरी विरासत आज खंडहरों में तब्दील हो रही है। जो रियासत की भव्यता है वो आपने देखी, अभी हम दिखाते हैं कि ये पूरी रियासत कैसे धीरे धीरे करके जर्जर होती जा रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही कुल भवन है, ये कुल देवता जो दरभंगा रियासत की है, इसे गोसाई भवन कहा जाता है, जहाँ पे इस दरभंगा रियासत के कुल देवी यहाँ पे बसती हैं और लगभग तमाम जो मांगलिक यहाँ पे कार्य हैं और जो संस्कार हैं वो घर के, वो इस रियासत के यहीं पे हुआ करते थे। लेकिन आज ज़रा देखिए कि ये कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ पे पहुँच गया है। दरभंगा महाराज का मधुबनी में भी किला है, जो अपने आप में स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। जिस शानो शौकत के लिए दरभंगा रियासत पूरे दुनिया में मशहूर थी, उस रियासत पर वक्त की ऐसी मार पड़ी कि पूरी रियासत आज खंडहर में तब्दील है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।